राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को इंदौर में प्रवेश करेगी। इसके पहले तैयारी पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिठाई दुकान पर मिलने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस जांच में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस के नेता यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। उनकी यात्रा उज्जैन और इंदौर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस बीच इंदौर स्थित एक मिठाई दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद इंदौर प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस पत्र में राहुल गांधी और इंदौर में बम उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने मिठाई दुकान से पत्र को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उस पत्र की जांच भी की जा रही है। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर, आज जिस तरीके धमकी भरा पत्र मिला एक मिठाई दुकानदार को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात यह है कि राहुल जी तो देश जोड़ने में निकले हैं, भाईचारा और देश में सौहार्द बने, इसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आर्थिक उन्नति हो, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, मानवता के सिद्धांत को हर धर्म में जिसकी परिकल्पना की गई है, वो चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनने सबने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की। तो उस भाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके की बातें जो सामने आई है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को देखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है यात्रा का, यात्रा तो प्रेम की है, प्यार की है, मोहब्बत की है, सबको जोड़ने की है, देश को एकता और अखंडता में की माला में पुरोने की है, देश को आर्थिक रूप से विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने को लेकर न्याय की है। तो मैं मानता हूँ कि ये यात्रा पॉजिटिव है। राहुल जी हमेशा सकारात्मक रूप से इस पूरे भाव को बोलते हैं, कहते हैं, वो प्रेम की बात करते हैं, उन्होंने नफरत की बात कभी नहीं की, सिद्धांत की बात करते हैं, देश की प्राचीन इतिहास की बात, मानवता की बात करते हैं। तो प्रशासन देखे, कानून व्यवस्था सही रखे, जिन लोगों ने जैसे भी ये भावना आई है, इस पर कानून अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करें। सर, यात्रा के पहले ही इस तरह की खत जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता दिखा रही है पुलिस? बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलनाथ जी और सीएलपी लीडर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। अलग अलग जिलों में जहां से यात्रा निकलेगी, वहां हमने एसपीज और आईजीज और जितने पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, डीएम, इनसे सबसे भी बात की थी। और मैं मानता हूं कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था रखेंगे। आपको ये धमकी भरा पत्र जो मिला है इनको राहुल जी के नाम पे, तो क्या लगता है कि आपको भाजपा का शरण क्यों हो सकता है? देखो, भाजपा का काम ही नफरत का है, घृणा का है, देश में इस तरह का एक विचार फैलाने का है जिससे लोग बटे रहे, नफरत करे एक दूसरे से। इसी के खिलाफ तो कांग्रेस की ये लड़ाई है, विचारधारा की भी लड़ाई है। कांग्रेस ने हमेशा से प्रेम, प्यार, मोहब्बत, गरीब का साथ, किसान का साथ, दिन दुखी का साथ, जो सबसे पीछे सबसे नीचे उसका साथ दिया। अभी मोदी जी आए, जब से 10% लोग करोड़पति, अरबपति और खरबोपति हो गए, बाकी लोग गरीब हो गए। लड़ाई क्या है? यही तो है। इस मुद्दे को लेकर आपका जीवन दर्शन बात करेंगे? मांग कर ली हमने, पहले ही कर ली, कानून व्यवस्था को लेकर जिले वाइज हमारे जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधिमंडल प्रदेश स्तर पर। जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा प्रतिसाद सुन रहा है, जनता कम पहुंचे, इस तरीके की अफवाह पहुंचाई जा रही है, बम की अफवाह, तो जनता कम पहुंचे। जनता 1,00,000 लोग रोज मध्य प्रदेश में राहुल जी के साथ चलेंगे। अद्भुत उत्साह है, अद्भुत प्यार है, अद्भुत मोहब्बत है। जो राहुल जी बात कर रहे हैं वो घर घर की बात है, हर व्यक्ति की बात है, मीडिया के कर्मियों की बात है, मीडिया के साथी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करते हैं उनके घरों की वेदना है, वो राहुल जी लेके आ रहे हैं। अगर उसके बाद वो तो चल रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, और सब होने के बाद भी देश को आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जो एक आध्यात्मिक स्तर पर विश्व में सबसे बड़ा हो, इस ध्येय को जी रहे हैं, तो मैं मानता हूं पॉजिटिविटी। जूनी थाना क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे कल एक धमकी भरा पत्र पोस्टर प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रतिष्ठान के मालिक की ओर से एक रिपोर्ट थाना जूनी पे की गई है, जिस पे पुलिस के द्वारा उस समय प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पत्र की सत्यता के संबंध में और पत्र के जो तथ्य हैं उसकी विवेचना के संबंध में हमारी टीमें अलग अलग स्थानों पे गई हुई हैं, प्रकरण में विवेचना भी चल रही है, और जैसे ही इसमें कुछ आगे प्रगति होती है, तस्दीक हो जाती है, उसके उपरांत आपको उसका विस्तार से बताया जाएगा। तो कहाँ से आया था खत, कुछ जानकारी लगी है? अभी
उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। अभी विवेचना बहुत शुरुआती दौर में है, तो बहुत कुछ उस पर चर्चा करना का उपयुक्त समय अभी नहीं है। विस्तार से फिर आपको बात बताएंगे। लेटर में धमकी है, कई तथ्य कई चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, चार पांच प्रकार की चीज़ें हैं, चार पांच प्रकार की धमकियां हैं, तो उन सब पे हम तस्दीक कर रहे हैं, सब पर विश्वास कर रहे हैं। दहला देने वाली बात एक गंभीर बात जो हाँ इसे बम वगैरह इंदौर में बम फोड़ने के संबंध में उसमें है चीज़ें, कई चीज़ें हैं उसमें, सारी चीज़ों पर हम विवेचना कर रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस विंग है, वो सब भी इसमें लगे हुए हैं, साइबर सेल हमारा इसमें लगा हुआ है, हमारी टीमें बाहर भी गई हुई हैं, और जल्दी ही जो है वो उस पत्र को भेजने वाले और इसके पीछे और जो भी लोग होंगे सबका पर्दाफाश किया जाएगा। सर जो तथ्य लिखे हैं, जिस तरह रघुवरा का नाम लिखा गया या खालसा कॉलेज की बात की, तो एक सभा है क्या उस पत्र में लिखे हुए सारे तथ्यों का चर्चा करना विश्लेषण करना अभी उपयुक्त समय नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जब इस पर और हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, जब सारी चीज़ें खुलासा हो जाएंगी। सर किन धाराओं पर प्रकरण? धारा 507 में अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर एक विधायक का नाम भी लिखा गया है, अभी विस्तार से चर्चा करने उस पत्र के विषय में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले ही कहा कि उसमें सब पे अभी चर्चा करना संभव नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।